8 नवंबर 2022 ग्रहण काल में पूजा पूजा भैया आगे जैसे आग बढ़े ना उसमें पानी डाल देना ठीक। हाँ हाँ नहीं तो पहले बुझा दिया करो, खैर अभी जल्दी रोटी तोड़ दो पहले बुझा दिया करो है ना, लकड़ी की थोड़ी बचत करो। नहीं वो जल चुकी ना। अरे ये आगे वाली लकड़ी बाहर वाली भाई यह कह रहे उसमें पानी डाल दो, धीरे धीरे सुलग रहा है। तो आप सब देख रहे हैं कि अभी अचानक कहाँ से कहाँ तैयारी हुई, फिर कैंसिल हुआ, फिर बात बनी, चूंकि महात्मा सिद्धार्थ सिंह चौहान को जाना था ठीक। इतना धर्मात्मा आदमी कल बताए बाबा जी ड्यूटी है, ने कहा अच्छा चलो देखा जाएगा। और कहाँ से कहाँ हनुमान जी की कृपा देखिए कि यह प्रोग्राम बना, फिर क्या बना, फिर वो हुआ, फिर ये हुआ, सब ऑटोमेटिक होते होते प्रोग्राम कई जगह बने, फिर राम सिंह का गांव जाने का प्रोग्राम बना, होते करते ये प्रोग्राम बना कि बस सिद्धार्थ जी को जाना है तो जाना है, उन्हीं को लेकर के अब ताबड़तोड़ इनको बुला के जल्दी से राम का भैया जल्दी रोटी बनवाओ। बाद के बाद में देखिए सब बंदर भोज के लिए सब रोड हाथ हाथी हाथी के जैसे सारे रोड बन के तैयार हो गए हैं, ये सब आप देख रहे हैं। और इतना ही हमारी अंजलि ने, इनको भाई आने में टाइम लगा तो अंजलि ने रोटी बनाई, वहाँ वो कमरे के अंदर रखा है। तो मतलब कोई त्यौहार मनाइए, चीज मनाइए, आप सेवा तो लेके चलिए। अगर आप सेवा नहीं करते हैं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कौन कितने लोग मंदिर और पूजा और पाठ और घंटी घंटा से जुड़े, अंत में देखा भयंकर मुसीबत का सामना करना पड़ा। अगर भयंकर मुसीबत से सामना कर बचना है, बड़े बड़े संकटों से बचना, हाँ खूब पानी का देश डालो, हाँ मैंने खोदे का है लकड़ी, सुलगे वाली लकड़ी है ये, तो ये क्या नाम, भयंकर संकटों से अगर बचना है तो आपको सेवा, महासेवा। अब सेवा क्या है, पूर्णमासी चल रही है, शाम को ग्रहण पड़ने जा रहा है ठीक। अब गंगा जी के किनारे कहाँ हमारा भी निश्चित नहीं था, और कहाँ इसको बंद कर देना आते समय, हमारा भी नहीं था कि भैया हम कल जाएंगे परसों जाएंगे, क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी तैयारियाँ हो करके और अचानक ये है। तो अब सेंगर साहब को जाना था, अब उनको फ़ोन करेंगे महाराज परसों हम चल पाएंगे। अरे गंगा जी के चाहे जब नहाओ, तो पूर्णमासी कोई पूर्णमासी या जैसे मंगलवार को लोग बंदर को खिलाते हैं ज़बरदस्ती, ये कितनी बड़ी जहालत है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। क्या हनुमान जी मंगलवार को ही खाते थे हैं? तो वही मैंने कहा लाओ थोड़ा बना में, और सिद्धार्थ जी के कि देखो इतना भागशाली आदमी, वो मतलब दुश्मन भी है तो उसके लिए इंसाफ करेंगे। अगर सिद्धार्थ जी को किसी राज दरबार में बैठा दिया जाए तो बड़े बड़े जो राजाओं का नाम हुआ है उससे इनका नाम कम नहीं होगा। इनका नेचर है कि अगर शत्रु है शत्रु तो उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, मतलब जो बोलो आप सही बोलो, नौटंकी नहीं। ऐसा सब राजनीति में देखते हैं तो उनका उनकी आत्मा जलती है कुफती है, कहते बाबा सच बोलो, बस जो चीज़ हो सही बोलो, जब अच्छा किया तो उन्हीं से थोड़ा हमको भी एक सहारा मिला कि भैया हम कोई न पार्टी देखेंगे ना हम पार्टा देखेंगे, हम केवल सच बोलेंगे ठीक, अपने को संभालते हुए। तो घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है, साधारण कलयुग नहीं है। अब रोटी बन के बस तुरंत अब नाती जी तैयार हो गए, वो अपनी गाड़ी से जाएंगे, उनको लोडर वोडर नहीं समझ में बस आती है। तो हमने कहा चलो भाई अब तैयार होकर के पूरा घर में देखो कुत्ता है इनको बंद करो, अरे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जानवर की सेवा करना घर में, घोड़े को उधर बंद किया है ये इनको बंद करो, बंदर को उधर करना पड़ेगा सुरक्षित कर करा के करो, करके बोलो करके दिखाओ, बंद करो ये सब नाटकबाजी, नाटक 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 करना धरना, वो खाली ग्रहण काल और गरीब को दान में दे, खाली गरीब को दान में दीजिए, जिन मंदिरों में जिनको बैठाया गया है इनकी इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, अंजाम देख रहे हो कोई सुखी है, है? कहीं कोई सुखी है भाई? पाकिस्तान में बताते हैं सरेआम गाय बछिया कटी हुई टंगी होती है, देखो वहाँ के हालात, वो भी इंसान है लेकिन उनके दिमाग में भरा कि नहीं मैं फला हूँ मैं फला हूँ। अरे यारो इंसान पहले अपने आप को इंसान बनाओ, इंसान कहो, ये धर्म रम रखो किनारे, पहले तुम इंसानियत की बात करो, जब इंसानियत आ जाएगी तो मांस मदिरा दारू बेईमानी घोषखोरी
रिश्वत खोरी, ये क्या बोलते हैं, अरे ब्याज खोरी, ये सब बंद हो जाएगा। समझ गए, ब्याज का काम है भैया, आप जो बैंक में पैसा देता हो भैया आपका काम हो जाएगा। बैंक वाला तो आपको लेना पड़ेगा, बैंक वाला नहीं देंगे, आप मान लीजिए बुढ़े हैं, आप किसी लायक नहीं है, आप आपको चार पैसा ब्याज मिलेगा, उसी से तो आपका जीवन यापन होगा। है कोई खुशी का लेना हो खुशी का देना, बस कोई बकरा नहीं कहता कि हमारी गर्दन उड़ा दो, कोई नहीं कहता। आपको बकरा बना दिया जाए तो आप तैयार होंगे, नहीं होंगे, फिर आप क्यों दूसरे का गला उड़ाते हो भाई, क्यों मांस खाते हैं आप, ये कहाँ का इंसाफ है। जो आप खुद नहीं कर सकते हो वो दूसरों के लिए आपने कैसे सोच लिया, ये कहाँ का इंसाफ है। कोई आप खुदा भगवान तो है नहीं भाई, क्या आप खुदा हैं या भगवान है, आप एक इंसान हैं और इंसान में ऊपर वाले के एक आप बंदे हैं और बाकी कुछ नहीं है। चले हम तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा, ये अपराजिता ये देखिए नीले रंग के निकला है फूल, सुंदर है ना फूल, ये इसकी डबल वाला है, एक सिंगल वाला था, फूल को देखिए आप सब, हर जड़ी बूटियाँ काम में आती हैं। ऐसा नीचे जब नया पेड़ होता है तो फूल ज़्यादा गहरा देता है, पेड़ जब बड़ा होता है तो इसका रंग हल्का पड़ जाता है, या पता नहीं काहे लिए उसका रंग गहरा है, हो सकता है चीज़ एक हो, पुराने पेड़ में ऐसा होता हो। ठीक है चलें तैयारी करें जलमऊ के लिए। गंगा जी का किनारा हमको भी नहीं मालूम था कि हमको गंगा जी के किनारे पूर्णमासी मिल गए, हनुमान जी के कृपा, सिद्धार्थ जी का एकदम कैंसिल था। देखो सिद्धार्थ जी का प्रोग्राम बन गया, कितना महात्मा धर्मात्मा आदमी, अगर हम कहीं पर निरुत्तर हुए हैं तो सिद्धार्थ जी के सामने। कोई भी सवाल किया है उन्होंने तो हमने कहा नहीं आप ठीक कह रहे हैं, नहीं कि आप उनकी बातों का खंडन कर दीजिए और जवाब दे दीजिए। ठीक है, जय श्री राम काम, जय श्री राम काम, जय श्री राम काम।